नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल का कार्यक्रम। मैं आचार्य पंकज शास्त्री और आज हम चर्चा करेंगे 8 जुलाई 2024 की। आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा? मेष राशि से मीन राशि पर्यंत 12 राशियों की चर्चा हम इस राशिफल के अंतर्गत करने वाले हैं। आज आपके लिए शुभ रंग कौन सा रहेगा, आपकी राशि के अनुसार आज कौन सा उपाय आपको करना चाहिए, जो उपाय आज आपको पॉजिटिव एनर्जी देने का कार्य करेगा। आज के दिन की विशेषता के साथ आज के शुभ अशुभ मुहूर्तों की भी चर्चा करेंगे। आज कौन सी दिशा में आपको यात्रा करने से बचना है, इन सभी बातों की चर्चा करते हुए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। सबसे पहले आज के पंचांग के साथ। प्रिय दर्शकों, 8 जुलाई 2024 आषाढ़ माह शुक्ल पक्ष की आज तृतीया तिथि के साथ सूर्यदेव उदय होंगे। तृतीया तिथि पूरे दिन भर व्याप्त रहेगी। आज का वार सोमवार है। 6:03 तक आज पुष्य नक्षत्र होगा, उसके उपरांत आश्लेषा नक्षत्र होगा और आज वज्र योग रहेगा। चंद्रमा का संचरण कर्क राशि के अंतर्गत होगा और सूर्यदेव मिथुन राशि के अंतर्गत यथावत स्थिति में रहेंगे। आज के शुभ अशुभ मुहूर्तों पर एक नजर डालते हैं। प्रिय दर्शकों, आज राहु काल का अशुभ समय 7:15 से लेकर के 8:58 प्रातः काल का रहेगा। आज गोलिक काल का शुभ मुहूर्त 2:10 से लेकर के 2:52 तक का रहेगा। आज अभिजीत का शुभ मुहूर्त 11:54 से लेकर के 12:49 मध्याह्न काल का रहेगा। राहु काल में किसी भी नए व शुभ कार्य को शुरू न करें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राहु कालीन शुरू किया गया शुभ कार्य उसमें अनेक प्रकार के विघ्न बाधाएं देखने को मिलती है। गोलिक काल शुभ मुहूर्त होता है, इसमें यात्रा व्यवसाय नौकरी से संबंधित दैनिक दिनचर्या के कार्य किए जा सकते हैं और अभिजीत मुहूर्त के दौरान धर्म कर्म पूजा पाठ दान पुण्य के कार्य शुभ होते हैं। वही आज के दिशाशूल की भी बात कर लेते हैं। आज सोमवार है और सोमवार का जो दिशाशूल होता है पूर्व दिशा का होता है। प्रिय दर्शकों, आज पूर्व दिशा में आपको यात्रा करने से बचना होगा। यदि आवश्यक स्थिति में पूर्व दिशा की ओर जा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, आज दर्पण में अपना चेहरा देख करके ही यात्रा करिएगा। यात्रा सबसे पहले वायव्य कोण से प्रारंभ करें, उसके उपरांत पूर्व दिशा की ओर यात्रा करेंगे तो निश्चित ही यात्रा शुभ होगी। और अब चर्चा आज के राशि फल की सिलसिला शुरू करते हैं। वचक्र की पहली राशि मेष राशि। मेष राशि वालों, आज का दिन चुनौतीपूर्ण दिन रहेगा। आज कार्य क्षेत्र नौकरी व्यवसाय को लेकर के सतर्क सावधान रहना होगा। आज नई चुनौतियां आपको देखने को मिल सकती हैं। अचानक से परिवर्तन आपके कार्य क्षेत्र व्यवसाय क्षेत्र को लेकर के आपके मूड को खराब कर सकता है। आज के दिन आपको संयमता से कार्य करना होगा और अपने व्यवहार में रूखापन आने से बचना चाहिए। वहीं आज के दिन आपको किसी भी जल्दबाजी को करने से बचना होगा और क्रोध करने से अपने गुस्से को अपने काबू में रखिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज। आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। इस मंत्र का जप करते हुए शिवलिंग पर जल अर्पण करें, निश्चित ही आपको लाभ। वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों को आज अच्छा दिन देखने को मिलेगा। वृषभ राशि के जातक आज कार्यक्षेत्र नौकरी व्यवसाय में उत्तम स्थिति को प्राप्त करेंगे। आज आपके कार्यक्षेत्र की सराहना की जाएगी। स्वास्थ्य को लेकर आज के दिन जरूर आपको सतर्क सावधान रहना होगा। आज निकटस्थ किसी भाई बंधुओं के साथ तनाव व विरोध की स्थिति भी देखने को मिल सकती है। आज के दिन आपको बिना किसी वाद विवाद के कार्य करना चाहिए, निश्चित ही आपको लाभ। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट। आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए आज आप ओम सूर्याय नमः मंत्र का जप करते हुए सूर्यदेव को अर्घ्य दे, निश्चित ही आपको लाभ। मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों को आज अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। आज पारिवारिक सहयोग रहेगा। पैतृक संपत्ति से विशेष लाभ की स्थिति आपके लिए बनी हुई है। स्वास्थ्य को लेकर के आज पीठ से संबंधित समस्याएं आपको देखने को मिल सकता है। आज के दिन स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। यात्राओं को लेकर के सचेत रहिएगा। कार्य क्षेत्र में किसी फैसले को ले रहे हैं तो छटपटाहट न करें, सलाह मशवरा करके कोई निर्णय ले, निश्चित ही आपके लिए लाभप्रद रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीमी। आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए आज ओम गं गणपतये नमः मंत्र का जप करते हुए भगवान गणपति को मोदक का भोग लगाइएगा, निश्चित ही आपको लाभ। कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों को आज सतर्क सावधान रहना होगा। स्वास्थ्य को लेकर के नई दिक्कतें देखने को मिल सकती है।
आज के दिन पारिवारिक स्थिति भी बहुत उत्तम नहीं है, विशेषकर आज के दिन मैरिड लाइफ आपकी डिस्टर्ब हो सकती है और व्यवसाय से संबंधित संपर्कों में भी दिक्कत होगी। आज अपने कस्टमर को अच्छे से डील करना होगा, टालमटोल करने से आज के दिन आपको बचना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक, आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए आज के दिन आप ओम दुर्गाये नमः मंत्र का जप करते हुए गुलाब के पुष्प मां भगवती को आज अर्पण करें, निश्चित ही आपको लाभ। सिंह राशि, सिंह राशि के जातकों का आज अच्छा दिन रहेगा। आज नौकरी व्यवसाय में कोई नई राह आपको मिल सकती है। किसी उच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति से मार्गदर्शन होगा जिससे आपकी राह आसान होगी। आज कार्य क्षेत्र में अच्छी स्थिति रहेगी, लाभप्रद स्थिति आपको देखने को मिलेगी। स्वास्थ्य का जरूर आपको ध्यान रखना होगा। यदि आप सिंह राशि के जातक हैं, शॉर्टकट तरीके से धन की इच्छा करते हैं, जुआ सट्टा लोटी इत्यादि में इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ पर आपको बहुत सतर्क सावधान रहना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मेहरून, आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए आज आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं, निश्चित ही आपको लाभ। कन्या राशि, कन्या राशि के जातकों को आज अच्छा दिन देखने को मिलेगा, लाभप्रद दिन रहेगा। आज लाभ की स्थिति आपके पक्ष में होगी। व्यवसाय में नए संबंध स्थापित करने में, नए कस्टमर लाने में आप सक्षम रहेंगे। आज इनकम की स्थिति भी आपके लिए मजबूत रहेगी। आज संकुचित होकर के कार्य करने से आपको बचना चाहिए, खुलकर के कार्य करें। जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं वो डिसीजन राइट हो ऐसा प्रयास करें, निश्चित ही आपको लाभ होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए स्लेटी, आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए आज आप किसी जरूरतमंद को भोजन का दान करें, निश्चित ही आपको लाभ हो। तुला राशि, तुला राशि के जातकों को आज कार्य क्षेत्र में मुसीबतें देखने को मिल सकती है, नई चुनौतियों से सामना होगा। आज के दिन कोई ऐसा टास्क आपको प्राप्त हो सकता है। आज का दिन कार्य क्षेत्र को लेकर के उलझने देखने को मिल सकते हैं। जल्दबाजी में किसी भी निर्णय को न लें, जल्दबाजी करने से जरूर बचिएगा। आज ड्राइव इत्यादि करते हैं, यहाँ पर सतर्क सावधान रहना होगा। आज पारिवारिक स्थिति आपके प्रतिपक्ष में हो सकती है, इसका जरूर ध्यान रखिएगा। शुभ रंग रहेगा जामुनी, आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए कुछ समय ध्यान मेडिटेशन जरूर करिएगा, संयमता से कार्य करिएगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के जातकों को आज अच्छा दिन देखने को मिलेगा, भाग्य का सहयोग रहेगा, भाग्य से संबंधित कार्य क्षेत्रों में वृद्धि होगी। लेकिन आज के दिन आपको पैतृक संपत्ति में नुकसान देखने को मिल सकता है। यदि आज के दिन आप पैतृक संपत्ति का क्रय विक्रय कर रहे हैं, सावधानी पूर्वक करिएगा, किसी ठगी का शिकार आज के दिन आप हो सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीमी, आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए आज केसर का तिलक अपने माथे से लगाकर ओम विष्णुवे नमः मंत्र का जप करें, निश्चित ही आपको लाभ होगा। धनुराशि, धनुराशि के जातकों को आज अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य के प्रति आज अच्छी स्थिति है। आज नौकरी व्यवसाय में भी आपको लाभ देखने को मिल सकता है। आज के दिन पारिवारिक सहयोग से आप आगे बढ़ने में सक्षम रहेंगे। आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए आज आप छोटी छोटी कन्याओं का पूजन करें, निश्चित ही आपको लाभ होगा। मकर राशि, मकर राशि के जातकों को आज अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। आज नौकरी व्यवसाय की स्थिति आपके पक्ष में होगी, स्वास्थ्य की स्थिति भी आपके पक्ष में होगी। ड्राइव करते हैं, यहाँ थोड़ा सतर्क सावधान रहिएगा, स्पोर्ट्स इत्यादि के क्षेत्र में है, चोट आदि का भय आपके लिए बनता हुआ नजर आ रहा है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल, आज के दिन किसी भी कार्य को शुरू करने से पूर्व ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का जप करें, निश्चित ही आपको लाभ होगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि के जातकों को आज अच्छा दिन देखने को मिलेगा। जीवन साथी के सहयोग से आज आगे बढ़ने में सक्षम रहेंगे। आज पारिवारिक स्थिति आपके पक्ष में होगी। कार्य क्षेत्र नौकरी व्यवसाय की स्थिति मध्यम रहेगी। कुंभ राशि के जातक है, किसी ऋण व कर्ज में फंसे हुए हैं तो आज इससे मुक्ति पा सकते हैं, प्रयास जरूर करिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मजेंटा, आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए आज किसी जरूरतमंद को यदि आप धन का दान करें तो निश्चित ही आपको लाभ होगा। और अब चर्चा बचत की अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि के जातकों को आज अच्छा दिन देखने को मिलेगा, लेकिन प्रेम संबंधों की स्थिति में खटपट की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। छोटी छोटी बातों को लेकर के विवाद हो सकता है। स्टूडेंट्स के लिए अच्छी स्थिति है। यदि आप दुविधा में न फंसे तो निश्चित ही आपको लाभ देखने को मिलेगा। आज के दिन आपको दिग्भ्रमित होने से बचना चाहिए और कार्य क्षेत्र पर फोकस करने की आवश्यकता आपको पड़ने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट, आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए आज किसी धार्मिक स्थान पर
खाने पीने की चीजों का दान करें तो निश्चित ही आपको लाभ। और अब चर्चा आज के विशेष कार्यक्रम की। प्रिय दर्शकों, आज आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है, गुप्त नवरात्रि का आज तीसरा दिन है, आज माँ चंद्र घंटा का दिन है। आज माँ चंद्र घंटा की साधना आपको अवश्य करनी चाहिए। यदि आप माँ भगवती का पूजन करके नियर बाय किसी भी मंदिर में घंटी का दान करें तो निश्चित ही आपको लाभ होगा। कैसे आपको ये जानकारी लगी हमें अवश्य बताएं। जानकारी अच्छी लगे शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और ज्योतिष से संबंधित तमाम जानकारियों के लिए संपर्क कर सकते हैं 8826810020 पर। आज के लिए इतना ही, हमें दे इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।